सॉफ्ट वाटर को हार्ड बनाने के लिए आपको उसमें ऊपर से क्या डालना पड़ेगा? बस कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन है, दोनों चीजें ध्यान रखना, पानी में सॉल्युबल होने चाहिए, प्रेसिपिटेट हो गए तो फायदा नहीं है। तो अगर मैं पोटेशियम सल्फेट डालूंगा तो क्या इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन है? नहीं, वो तो पोटेशियम के आयन है। तो क्या वो हार्डनेस पैदा कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, पड़ा रहेगा पागल, यूजलेस है। मैंने उसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि ताजमहल डाल दिया। अगर आपने मार्बल का टुकड़ा पानी में डाल दिया तो क्या मार्बल पानी में घुल जाता है? अगर ऐसा होता तो ताजमहल कब का बारिश में बह गया होता? 300-400 साल तो हो गए बेचारे को, हर साल मानसून आता है, मनमान बारिश होती है, बगल में यमुना नदी है, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में तो नहीं घुलता यार। तो अगर पानी में घुलेगा नहीं तो वो कैल्शियम आयन पानी में छोड़ेगा नहीं, और यदि वो कैल्शियम आयन पानी में छोड़ेगा ही नहीं तो क्या उससे हार्डनेस आएगी? नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिए, आपको जरूरत थी कि वो सॉल्युबल हो, सॉल्युबल नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सही है, ये कुछ कुछ सॉल्युबल है पानी में, हाँ, कि हार्डनेस पैदा कर देगा, कर सकता है बिल्कुल। एप्सम सॉल्ट, हाँ, मैग्नीशियम आयन डाल दिए, अब ये हार्डनेस पैदा कर देगा, जरूर कर देगा। EDTA नॉनसेंस, ये तो हार्डनेस रिमूव करने के काम में आता है। और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम आयन डाल दिए, जरूर ये हार्डनेस पैदा कर देगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और एप्सम सॉल्ट, ये तीन आइटम है जो हार्डनेस कॉज करते हैं।